हाँ सी आर कैन यू प्लीज रेज हैंड। और जी आर अगर अवेलेबल है, जी आर या सी आर कोई भी आप मेंशन। अब ये एहसान सारा बस स्टिल एबसेंट, तो मैं इनका एबसेंट मार्क कर रहा हूँ। अब आई हैव गिवन इनफ टाइम टू मार्क अटेंडेंस। अगर प्रेजेंट है एहसान तो काइंडली रेज हैंड। चार में से भी कोई अगर रेज हैंड कर दे तो आइडिया हो जाएगा। आई थिंक वकार बताए मुझे, ऐसा ही है ना? ये आज क्लास में नहीं गया, एहसन को मैंने नहीं देखा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, बकार। सर मेरा थोड़ा सा इशू है, तो अभी लैपटॉप भी पास नहीं है, आप प्लीज लगा दे मेरे। ओके वकार मैं दिखा रहा हूँ तो मैं लगा दूंगा ना, एक सेकेंड देंगे okay. आपकी। ठीक है, लग गई आपकी। और नेक्स्ट बताएं जल्दी से। मुझे आराम आपकी सपोर्ट चाहिए इसमें, जैसे वकार की मैंने लगा दी, ऐसे ये लोग अगर हैंड रेज कर दें तो हम लगा देंगे ना इनकी। और आप मुझे बताते जाओ, अभी मैंने अरीशा को देखा था, अरीशा को और सुभान को शायद मैंने देखा था क्लासरूम में, ऐसा थे ये दोनों? सर रिशा थी लास्ट लेक्चर में, मुझे याद। और अभी भी मैंने इनको देखा था, इनका नेम, और ये सुभान को भी देखा था, बट इन्होंने क्यों नहीं अटेंडेंस मार्की? सुभान का भी है ना आपके, आपने देखा है सुभान को आज? अरे हम सुभान को, पता, चेक करता हूँ सर। अच्छा नहीं चेक ना करो अभी, चले मुझे सर बता दे जी सुभान का नहीं कन्फर्म, जी बताए मुझे। दानियाल, एहसन जो मोहम्मद कलीम वाला एब्सेंट ही सर। ये एब्सेंट है, ठीक है। और कमाल, दानियाल अरशद सर ये भी कंफर्म नहीं है इसका। रेज हैंड कर लेना बेटा, जो हम नाम ले रहे हैं और शो भी करा रहे हैं, अगर कोई है प्रेजेंट तो। सर देन वो ये है मोहम्मद कमाल, अयाज खान, सुबहान खान एंड उसामा रहीम एंड खुरम शहजाद एंड अरीशा एंड वकार ने तो बता दिया, उसामा जुबैर, इनमें से कोई अगर है तो प्लीज रेज हैंड, मैं लगा दूंगा अटेंडेंस आपकी। ये इस सेशन में थे जी अरीशा। हाँ आपको मैंने रिशा ने हैंड रेस किया। जी, मैंने इनको देखा है, मैंने सुबहान को भी खुद देखा है। आई डोंट नो कि इन्होंने क्यों खुद नहीं मार की। चले ये तो हो गए, वकार को भी मार्क कर दिया बेटा, मैंने कर दिया आपको मार्क। जो नहीं है अब वो है एहसान अबरार, दानियाल, कलीम, कमाल, अयाज, उसामा रहमान, खुरम शहजाद, उसामा जुबैर, इनमें से अगर आपने किसी को देखा हो तो मुझे बता दो, अदरवाइज मैं आगे तो चलता हूँ। अरम, सर एहसन भी था पिछले लेक्चर में सर, भाई हमारी क्लास एहसन में इब्रार आपने होगा। एहसान इबरार कहाँ पे है ये ठीक है, क्योंकि ये बच्चे थे कुछ थे जिनको मैंने भी देखा, आपने भी देखा, तो चलिए हम खुद लगा देते हैं, इनका कोई प्रॉब्लम हो सकता है। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अटेंडेंस पूरी नहीं होगी तो पेपर दे ही नहीं सकते, चाहे आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो क्लास के। चलें अब हमारे पास जो रह गए हैं वो 41 हो गए प्रेजेंट, एक एबसेंट भी आ रहे। चले मैं बाकी को मार्क करता हूँ फिर। ओके जी, हम लोग यहाँ पे थे। अरे आपकी क्लास में से कोडिंग में कौन यस एक्सपर्ट है? कोडिंग में कौन एक्सपर्ट है? लास्ट सेमेस्टर में किसने अच्छी कोडिंग की है? कोडिंग में सर, वो जो जिसकी डेथ हुई है उसकी कोडिंग बड़ी अच्छी थी सर, अब्दुल्ला जैसा। उसके बाद उसके बाद एक साथ था सर, साथ की भी अच्छी थी छोड़ गया ना वो, तो सर, वो जो अभी छोड़ गया लेकिन। प्रेजेंट है, प्रेजेंट में से यस अभी सर, कोई है फीमेल या मेल या कोई अवेलेबल हो क्लास में? अभी सर शायद सर एक नासे खान है, उसकी भी अच्छी है कोडिंग। नासिर आप हैं अवेलेबल क्लास में? क्योंकि मुझे आपके सीनियर्स का तो पता है, बट आपकी क्लास का नहीं, उसमें मोहसिन एक अच्छा कोडर है। अच्छा चले, ओके फाइन, वेरी गुड टू गो, ठीक सही हो गया, ठीक हो गया। अच्छा जी, अभी हम देख रहे थे सर्कुलर, देन वी हैव डबली लिंक लिस्ट, एंड नाउ वी हैव अ हाइब्रिड टाइप ऑफ लिंक लिस्ट दैट इज सर्कुलर डबली, जिसके अंदर हम सर्कुलर में भी मूव कर रहे हैं, जिसके अंदर हम टू एंड फ्रॉम भी मूव कर रहे हैं, ठीक हो गया। दैट मीन्स कि तमाम हेडर की भी एड्रेस फील्ड हमने दे दी, और ठीक हो गया। सर्कुलर कोई नोड ऐसा नहीं है जिसके अंदर एड्रेस फील्ड एम्प्टी हो, दैट इज सर्कुलर डबली लिंक्ड लिस्ट। ओके बेटा, दोनों का हाइब्रिड हो गया ना, तो अगर हमें ये रिक्वायरमेंट है एज पर आवर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, तो हम ये कर सकते हैं। हमने
मीन्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स मूव करना है टू एंड फ्रॉम बिटवीन द नोड्स और इन सर्कुलर, तो हम ये हाइब्रिड सॉल्यूशन ले सकते हैं, ठीक है, अडॉप्ट कर सकते हैं। ओके जी, अब आ जाते हैं थोड़ा सा सी कोडिंग की तरह, जस्ट टू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट के यही चीज़ हम कोडिंग में कैसे कर रहे होते हैं, लेकिन अपने प्रैक्टिस को ज़रूर करना है इन योर लैब एक्टिविटीज, और मुझे अपडेट भी करना है प्रैक्टिस करने के बाद, ठीक है बेटा। आराम सिंगली डबली लिंक लिस्ट सर्कुलर कोई इन में से दो तीन टाइप्स भी आप कर लें तो दैट इज फाइन, वैसे करनी है आपको सब चाहिए। ओके, वी हैव स्ट्रक्चर ऑफ ए नोड इंटीजर इन्फो फील्ड एंड वी हैव स्ट्रक्चर ऑफ नोड स्ट्रक्ट नोड, ये क्या पॉइंटर है लिंक जो पॉइंट करेगा। अब आप में से कोई मुझे बता सकता है इसमें हमारी हेडर वाली कौन सी है, मीन्स कि कहाँ पे हमने कोड किया हेड को और कहाँ पे हमने किया है एड्रेस वाली फील्ड को लिंक कोड के थ्रू। अभी आपको हेडर का भी आइडिया है, हेडर के अंदर क्या स्टोर होता है, इंफॉर्मेशन होती है। मैं दोबारा रिपीट भी कर रहा हूँ आपके, आप मतलब माई क्वेश्चन इज, हम इस सिंटैक्स को देखते हुए, इस कोड को देखते हुए, हम लॉजिकली अगर आपको बताना पड़े कि हेडर को कोड आप कहाँ कर रहे हो और अपने एड्रेस फील्ड को कहाँ कोड कर रहे हो, तो वो कौन सा पोर्शन होगा जो कि हेडर का है और कौन सा पोर्शन होगा जो कि एड्रेस फील्ड या लिंक फील्ड का है। बहुत क्लियरली मेंशन है वैसे तो, बाकी हाँ बताएंगे आप बेटा। सर जो हेडर है सर वो इन्फो है और जो रेफरेंस है वो नोड लिंक पॉइंटर वाले। जबरदस्त, बिल्कुल ठीक बताया आपने। मैं छोटी छोटी एग्जांपल साथ साथ क्यों आपसे पूछ लेता हूँ, हालांकि मैं पढ़ाना चाहूँ तो एक मिनट में पढ़ा के आगे भी हम चले गए होते हैं, ताकि आपके माइंड में ये चीजें रहें कि ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है। तो जो थ्योरी का पेपर होता है तो इस तरीके से कोड इन्वॉल्व करके पूछी थ्योरी ही जाती है उसमें, कि बताएं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। सो ताकि आपकी प्रिपरेशन में साथ साथ कराऊँ, और ये रिकॉर्डिंग भी वीडियो आपको मिल जाती है, ताकि आपको अगर आपने ये लेक्चर दोबारा देखना हो तो आप 1.52 स्पीड पे करके भी VLC में या YouTube पे इसको जल्दी से क्विकली देख सकते हैं, फिर रिकॉल हो जाएंगी ना चीज़ें। वैसे तो आप लेक्चर ले रहे हैं अगर एक्टिवली, तो आपको इंशाल्लाह अभी भी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके जी, आगे हम जंप इन करते हैं। सो वी हैव इंफॉर्मेशन फील्ड जिसे हम कह रहे हैं हेडर, एंड वी हैव लिंक फील्ड जिसे हम कह रहे हैं लिंक या एड्रेस फील्ड हम जिसे कह रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास जो है स्ट्रक्ट नोड क्या है, इंटीजर का तो आपको पता है इंफॉर्मेशन, इंटीजर इंटीजर डाटा टाइप आपको पता है कि प्री डिफाइंड डाटा टाइप होती है आपके जो है सिमुलेटर की, जिसके अंदर हम 0, 1, 2, 3, 4 इंटीग्रल वैल्यूज को स्टोर करते हैं। और नोड इज अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चर स्ट्रक्ट एंड कंटेन्स इन्फो फील्ड एंड लिंक फील्ड। स्ट्रक्ट नोड इज द डाटा टाइप लाइक इंटीजर एंड पॉइंटिंग टूवर्ड्स आवर होल प्रोग्राम। तो स्ट्रक्ट नोड क्या होगा, ये पॉइंट करेगा, मीन्स के टू एंड फ्रॉम पॉइंट करेगा, लिंक अप करता जाएगा हमारे प्रोग्राम में थ्रू आउट द होल प्रोग्राम, ठीक है। ओके, वो है प्रोग्राम टू क्रिएट अ लिंक लिस्ट, जिसके अंदर हमारे पास आपको पता है सबसे पहले लाइब्रेरी फाइल्स आती हैं इन सी प्लस प्लस। होप यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग विद द लाइब्रेरी फाइल्स। वी हैव स्टूडियो डॉट एच, वी हैव स्टूडियो लाइब्रेरी डॉट एच, ठीक हो गया। देन वी हैव स्ट्रक्ट नोड जो कि जिसके अंदर हम ये सारा बाद में आगे पोर्ट करने जा रहे हैं। इंटीग्रल डाटा, यहाँ पे स्पेस आएगी बेसिकली, थोड़ी सी यहाँ मिस्टेक है, आप इसको देख लीजिएगा। इंट स्पेस जो भी हम इसके अंदर इन्फॉर्मेशन स्टोर करना चाहते हैं या डाटा स्टोर करना चाहते हैं एज पर हेडर, ठीक है। देन वी हैव नोड स्पेस, यहाँ पे पॉइंट हम कर रहे हैं, नेक्स्ट हमने इसको नाम दिया। देन वी हैव मेन फंक्शन दैट इज नोड स्टार हेड इज इक्वल टू नल। पहले क्या कर रहे हैं हम, हेड के ऊपर क्या कर रहे हैं हम, नल कर रहे हैं उसे, सेकेंड को भी नल, थर्ड को भी नल। अभी हम इसमें कोई डाटा नहीं दे रहे, ठीक है। देन वी हैव हेड इज इक्वल टू न्यू नोड, न्यू सेकेंड इज इक्वल टू न्यू नोड, थर्ड इज इक्वल टू। अब क्या कर रहे हैं हम न्यू नोड के अंदर, मीन्स के हेड सेकंड थर्ड और ये हम डिफाइन करते जा रहे हैं, नोड्स डिफाइन करते जा रहे हैं बेसिकली। अच्छा, इसके बाद अगर मैं थोड़ा सा आगे मुझे जाने दें, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे जाने दें, थोड़ा सा यहाँ पे आगे, यहाँ पे ऊपर मैंने एक ये बनाई थी लास्ट लेक्चर लेते हुए, ये डायग्राम, इसके अंदर एक मैंने ये वर्टिकली बनाई थी और एक मैंने हॉरिजॉन्टली बनाई थी। हॉरिजॉन्टली अगर आप देखें ऊपर टॉप पे राइट कॉर्नर पे, वो या हेड जिसके अंदर हम वन स्टोर कर रहे हैं और पॉइंट कर रहे हैं सेकंड को, देन थर्ड को, ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं दोबारा वापस आता हूँ यहाँ पे, ठीक है, गिव मी अ सेकंड। बल्कि हम मैं इसको भी थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ इस इनको, ठीक है, ये डाटा असाइन करने के लिए हम 1, 2, 3, बट ये स्टोर कहाँ पे होगा ये हम अगली स्लाइड में भी देखेंगे यहाँ पे ऐसे।
सो वी हैव अ मेन फंक्शन, देन वी हैव स्ट्रक्चर नोड, स्टैटिक हेड इज इक्वल टू नल, सेकंड नल, थर्ड नल, अभी इसमें कोई हम डाटा नहीं स्टोर कर रहे हैं, ठीक हो गया। और इसके बाद जब हम करेंगे न्यू इज इक्वल टू स्ट्रक्ट नोड, हम इसी को ही कॉल कर रहे हैं, और देन वी हैव, देखें यहाँ पे हेड बन गया, हेड क्या है ये, यहाँ पे हमारा हेडर आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड आ गया न्यू स्ट्रक्ट नोड में, यहाँ पे एक और हमने नोड बनाया, ये पहला नोड है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, हम इसको वर्टिकली भी शो कर सकते हैं जैसा कि मैंने आपको आगे थोड़ा सा करके दिखाया अभी किस तरह, क्योंकि स्टूडेंट की ये क्यूरी थी कि सर हमने अभी पीछे जो पढ़ाया वो तो वर्टिकली पढ़ाया, आप ओरिजेंटली हमें बता रहे हैं, तो ये जस्ट एन एग्जांपल है, होता है इसी तरह, वर्टिकली ही स्टोर है, तो इसलिए मैंने ये बनाई थी फिर दोबारा से, ठीक है बेटा। देन वी हैव सेकेंड नोड, थर्ड नोड। अच्छा अब बाद में हम जब डाटा स्टोर कराएंगे तो हम पॉइंट करेंगे हेड इज इक्वल टू डाटा वन, मीन्स जो हेडर है ये पहला नोड है जिसे हमने नाम हेड दिया है उसके अंदर वन स्टोर कर दिया जाए। देन वी हैव सेकेंड नोड, उसके अंदर जो डाटा स्टोर कराएंगे तो वो टू करा रहे हैं, फिर थर्ड नोड के अंदर जब डाटा स्टोर करा रहे हैं वो थ्री करा रहे हैं, ठीक है। देन थर्ड के बाद देखें नल कर दिया, दैट मीन्स अगर मैं आपसे कहूँ इसी कोड को ही शो करा के ये कौन सी लिंक लिस्ट है, ये सिंगल है, सर्कुलर है, डबली लिंक लिस्ट है, हाइब्रिड है, सर्कुलर एंड डबली लिंक लिस्ट का मिक्सचर बन रहा है, क्या बन रहा है इस कोड को समझने के बाद। अरे हमने रेज हैंड किया, मुझे और भी रेज हैंड चाहिए, तो मैं बेसिकली कोड भी दूंगा तो उसमें से इस तरह की चीजें आपसे पूछूंगा कि ये किस टाइप का है और क्यों आप कह रहे हैं किस टाइप का है, डिस्क्राइब करें या एक्सप्लेन करें, एनालिसिस ऑफ कोड बेसिकली मैं आपसे पूछ सकता हूँ पेपर में। जी अरम, ये सर सिंगल लिंक लिस्ट है सर, लास्ट में हमने नल डिफाइन किया और जी, उसकी वजह से वही क्योंकि स्टॉप हम वहां पे नल डिफाइन कर रहे हैं, अगर हम वहां पे एड्रेस दे देते हैं प्रीवियस नोड का तो हम कह सकते हैं यस टू एंड फ्रॉम, हाँ टू एंड फ्रॉम बाद में मोशन हो जाएगा ना, आगे पीछे हम मूव कर सकते हैं, अगर हम पहले नोड का एड्रेस दे देते हैं तो फिर क्या होगा सर्कुलर बन जाएगा, अगर हम दोनों चीजें कर लेते हैं तो फिर क्या होगा हाइब्रिड बन जाएगा, ठीक है। देखिए कोड में से मेरी थ्योरी में क्या आएगा वो इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे जो मैं साथ साथ आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कर रहा कि मैं पेपर में क्वेश्चन ये दे दूं और आपको कभी इसका कॉन्सेप्ट ही ना बताया हो कि अगर इस तरह का है तो क्या करना है, और आप मुझसे पूछते रहे हैं कि सर कोड तो दिया हुआ है हमने क्या करना है, तो आपने जस्ट बताना होगा उस कोड को एनालाइज करके कि थ्योरेटिकली जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़े थे उसमें से ये किस टाइप का प्रोग्राम किया हुआ है हमने, ठीक हो गया, और टाइप पता होंगे उसके आइडिया होगा तो तभी आप उसका एनालाइज कर सकते हैं ना, जैसे अभी यार हमने विद इन नैनो सेकंड हमें बता दिया कि कौन सा लिस्ट का प्रोग्राम है, किस टाइप का है, ठीक है, टाइप ऑफ लिस्ट का है। अच्छा उसके बाद जो है यहाँ पे देखें दोबारा से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ वर्टिकली, वी हैव हेड, यहाँ पे हम डेटा स्टोर कर रहे हैं वन, वी हैव अ सेकंड नोड जिसका कोई ना कोई एड्रेस होगा जाहिर बात है, वहाँ पे हम टू, देन वी हैव थ्री एंड नल, तो ये हम डेटा स्टोर करते जा रहे हैं यहाँ पे, ये देखें हेड डेटा वन से लेके थ्री तक, एंड देन हम रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर वन, तो इंशाल्लाह कल आपका जो है मेकअप लेक्चर है जिसके अंदर हम लोग क्विज करेंगे, क्विज इज एन इम्पोर्टेंट यू नो एंटिटी ऑफ टुमारोज लेक्चर या एक्टिविटी, देन हम लेक्चर नंबर फोर को हाफ तक कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। जी अभी बाबू बताए बेटा, हबीब यू आर गुड टू अनम्यूट योरसेल्फ बेटा, हबीब आर यू, अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम सलाम हबीब सर, ये क्विज की डिटेल्स बता दें, मतलब कहाँ से आएगा एक दफा दोबारा से। हबीब आपका पहला क्विज है, ठीक है, मेरे साथ ऐसा ही है। यस सर, मैंने आपको एक टर्म बताई, आउट ऑफ कोर्स एक लफ्ज नहीं होगा, आउट ऑफ कोर्स एक वर्ड नहीं होगा, सारा कुछ होगा विद इन द सिलेबस, और कुछ चीजें मैंने डिस्कस की थी ड्यूरिंग द लेक्चर और आपको नोट भी करवाता था, उनको भी देखिएगा, उनमें से भी कुछ हो सकता है। ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, ट्रू फॉल्स, एमसीक्यूज, शॉर्ट आंसर्स, ठीक है, इस टाइप का क्विज होगा, मिक्सचर हो सकता है, क्विज सिर्फ ट्रू फॉल्स हो सकते हैं 10, सिर्फ एमसीक्यूज हो सकते हैं 10, तो ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा जितना होगा बेटा, शॉर्ट आंसर भी हो सकते लेक्चर हैं। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में से। अभी आप LMS पे हो? यस सर। LMS पे हर चीज अपलोड होती है, आप मेरी स्क्रीन देख पा रहे हो बेटा? यस सर। ओके ये है आपका LMS, ऐसा ही है, देखें ये LMS है, yes. यहाँ पे जूम का लिंक भी है, आउटलाइन ऑफ DSA भी है, थ्योरी टॉप शीट भी है, बुक भी है, लेक्चर 1, 2, 3 सब कुछ अपलोड है, ये देखें ये डिटेल्स भी अपलोड है, ये क्या लिखा हुआ है क्विज 1 में पढ़ेंगे आप अभी मेरे साथ जरा, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये डिटेल्स। अभी आर यू विद मी?
अभी बारी विद मी बेटा, अभी वहां पढ़ेंगे आप। ये पहले दिन से अपलोड है और मैंने पहले दिखाया भी था, शायद आप एब्सेंट होंगे उस दिन से। हर चीज सर मैंने नहीं, सर मैंने पढ़ लिया, मैंने पढ़ लिया था। मैं एक दफा दोबारा चार थे कि आप क्लियर कर दें बेटा, जो चीज मैं LMS पे दे देता हूँ वो वैसे ही रहती है। मैं आप लोगों को नहीं कंफ्यूज करूंगा किसी भी चीज में, बिलीव मी। ना परेशान, इतना परेशान नहीं होना मेरे साथ। जो चीज मैंने बता दी वो वैसे ही होगी इंशाल्लाह, अगर जिंदगी रही तो। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू बेटा। अच्छा आप सब LMS पे हैं, मुझे प्लीज डू कंफर्म करें यार। अरम माइट भी, मुझे ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है यूट्यूब पे अपलोड करके फिर देने में। मैं चाहता हूँ कुछ लेक्चर में इधर ही देख लिया करूँ अपलोड सीधा सीधा। सर तीन एक दो तीन स्टूडेंट्स हैं, उनके इशू आ रहे हैं LMS से रिलेटेड। कोई इशू नहीं, मैं अभी मैं यूट्यूब पे ही करूंगा। ठीक है, कोई इशू नहीं, वहां से तो लिंक मिल ही जाता है, सबको पब्लिक हो जाता है। ठीक है अरम, थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो। तो मैं आज मेरे तीन लेक्चर हैं, इसके बाद आपका लेक्चर अभी खत्म होगा, दूसरा शुरू होगा, फिर वो खत्म होगा, फिर तीसरा शुरू होगा। तो माइट भी आज शाम तक या रात तक मैं जाके वीडियो आपको दे सकूंगा। सो अरम, अगर मैं रात तक भी ना दे सकूँ तो प्लीज डू रिमाइंड मी आफ्टर 7 o'clock, ठीक है? क्योंकि मेरे पास आज एक्टिविटीज के अंदर 3-4 लेक्चर हैं, शाम तक ही मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूँ यहाँ बैठ के। तो इंशाल्लाह कोशिश होगी कि जैसे ही मैं फ्री होता हूँ आपका अपलोड करके आपको लिंक दे दूंगा। प्लेलिस्ट आपने अगर सेव की हुई है तो उसी में अपलोड हो जाएंगे लेक्चर शाम तक। ठीक है, थैंक यू बच्चों। और कोई बात अगर हम, अगर आप CR GR करना चाहें, GR है आपकी क्लास में? राबिया, वो आपकी क्लास में ही है ना GR? राबिया है या हम ना, जो भी हैं, अगर कोई भी आपका क्वेश्चन हो यू कैन आस्क मी डायरेक्टली। अरे हम, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम बाद में लीव करते हैं क्लास। ठीक है, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।